बुधवार को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग और अवैध खनन मामले में गिरफ्तार प्रेम प्रकाश के विभिन्न ठिकानों पर छापेमारी की। प्रेम प्रकाश के घर के अलमीरा से 2 AK-47 राइफल बरामद की गई। बरामद राइफल किसकी है? क्या कहते हैं अरगोड़ा के थाना प्रभारी, सुनिए। हमको क्या सूचना मिला था, हमने नहीं, उसे वो जवान क्या यहाँ पर बॉडीगार्ड थे नहीं भाई, हमको नहीं जानकारी है ना, वो हमारे स्तर से पोस्टिंग नहीं है या उसका क्या है, तो मोबाइल जवान से मिलने के बाद ही हम बता पाएंगे। लेकिन हाँ, लेकिन हमको जो पता चला, हमने आकर के जो है मेजर साहब के साथ में आए, और ये हमारा अपना सुरक्षा कर्मी का जवान है, रांची मैंने ये जिला बल का जवान, मतलब ये है आर्म्स है, AK-47 है, ये अपनी प्रक्रिया पूरी करके हम लोगों को सुपुर्द कर। सर किस स्थिति में है अभी जो जो हथियार मिला चालू हालत में है, क्या है कारतूस मिलने की बात भी आ रही है? हाँ, जो हथियार के साथ में जो अपना आवंटित जो जिस गोलियां रहती है वो कितने कितने कारतूस, गोलियों की संख्या कितनी कितनी राउंड है तकरीबन? 47 के साथ 30 गोली उसमें ये होता है, आवंटित होता है तो। हाँ हाँ, गार्ड का 47 60 गोली होगी। नहीं नहीं, उसकी जानकारी हमें ये नहीं है कि कौन किस सुरक्षा कर्मी का क्या है, बस हमें है कि ये हमारा रांची जिला बल का सुरक्षा कर्मी का है। सर अगर कानून की बात करें तो जवानों को ऐसे रख के जा सकते हैं कोई? उसका डिपार्टमेंटल एक्शन, वो तो अलग चीज हो गया ना, हमारे स्तर से ऊपर का, वो तो वरीय पदाधिकारी के। नहीं, आप ये बता दीजिए कि क्या इस तरह से 47 प्राइवेट घर में ऐसे रख के गार्ड और गायब हो सकते हैं बिना मालिक के? उसका जवाब देखिए, ये चीज अरे आपसे कानूनी पहलू नहीं, कानूनी पहलू तो सर नहीं है, आप भी समझ रहे हैं, कानूनी पहलू तो सही नहीं सर। एक 47 में 30, मतलब 2 47 से 60 60 60 करते हैं। ये रांची जिला से आवंटित किया गया है इन लोगों को, तो ये गार्ड का है और ये झारखंड पुलिस के जवान है। हाँ जी, हाँ। किन्हें मिले थे, किन्हें लौट हुए थे प्रेम? नहीं नहीं नहीं, आपके क्या कार्रवाई होगी ऐसे मामले में? पहले मुझे वहाँ से सबूत किया जाएगा, ये जब पूरी प्रक्रिया के बीच में नहीं कोई कार्रवाई कर सकते हैं। ईडी के द्वारा बताया गया कि पूरी प्रक्रिया करने के बाद मेरे थाने को हैंडओवर किया जाएगा, और जब हैंडओवर करने के बाद जब हम ये रिपोर्ट हम वरीय पदाधिकारी को समर्पित करेंगे तो सर आपने जब्त कर लिया है क्या? नहीं, अभी तो उनके पट अभी उनके पास है। और बाकी किन किन दोनों लोगों को मिला है, विनोद कुमार थाना, किन दो लोगों को ये आवंटित किया गया था? नहीं, ये मुझे अभी जानकारी, ये प्रेम प्रकाश के थे बॉडीगार्ड? बॉडीगार्ड मुझे सब्सक्राइब कीजिए ट्रैवल इंडिया टीवी को, और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन। धन्यवाद।